अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सभी लोगों को खुश रखे, साद आबाद रखे, सलामत रखे। अल्लाह आपकी हर जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं नौशाद बी के एस कर्नाटक जो 2024 के हज के लिए माशाल्लाह कर्नाटक से पैदल निकले हैं और 2024 का हज करेंगे, वो कहते हैं ना कि इंसान अगर इरादा मजबूत कर ले तो मंजिल कितनी ही दूर हो वो वहाँ पहुँच जाता है। जब शहाब शुटूर केरला से वो निकले थे, वहाँ जब वो निकले तो अकेले निकले थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अल्लाह के घर पर वो हाज़िरी देने के लिए जाते हैं तो किस्मत वाले वहाँ जाते हैं, अल्लाह जिनको बुलाते हैं। लोगों ने उनका ज़ोरदार इस्तकबाल किया, हज़ारों की लाखों की तादाद में लोग उनके साथ चले और उनके साथ में जो हो चुक जिनसे जितनी भी हुई उन्होंने उनकी मदद भी की और उनके साथ में रहे, उनका ज़ोरदार स्वागत किया, इस्तकबाल किया। जिसके बाद वो 6 कंट्री को पार करने के बाद मक्का मुकर्रमा पहुँचे और माशाल्लाह हज का फ़रीज़ अदा करके वो इंडिया लौटे। इसके बाद 2024 का हज करने के लिए हाजी शिहाब के बाद नौशाद बी के एस कर्नाटक का, ये भी एक नौजवान हैं और इनको भी जज्बा है कि वो हज करें, तो आप लोगों से दरख्वास्त हैं कि इनके लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सफ़र को भी आसान करे और इनको इनकी मंजिल तक पहुंचना आसान फरमाए। तो दोस्तों, ये नौशाद बी के एस कर्नाटक का माशाल्लाह तकरीबन 1800 या 1900 किलोमीटर का सफ़र करके ये कर्नाटक से चल के इस वक्त दिल्ली तक पहुँचे, जो तकरीबन 1800 या 1900 किलोमीटर का सफ़र बैठता है। बाकी का सफ़र जो है, ख़बर मिल रही है कि पाकिस्तान की अम्बेसी के पास ही पहुँचे थे, वहाँ इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए, जिसके बाद अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई रिप्लाई तो नहीं मिला कि कौन सी डेट में वो वीज़ा देते हैं, ट्रांजिट वीज़ा। लेकिन इतनी खबर मिली है कि 1-2 हफ्ते के अंदर ही उनको वीज़ा मिल जाएगा, ट्रांजिट वीज़ा, जिसके बाद वो सफ़र करेंगे। इस खबर को नौशाद बी के एस ने ख़ुद ही अपने ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर की, वो बहुत जल्द सफ़र शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वो इस वक्त मुस्तफ़ाबाद दिल्ली में हैं और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो एक दिखावे के लिए निकले थे, फ़ैन फॉलोइंग बनाने के लिए, शोहरत पाने के लिए वो निकले थे, वो हज नहीं करेंगे, तो उन्होंने एक वीडियो बनाकर इस चीज़ में ये भी बतलाया कि ऐसा कुछ नहीं, मेरा इरादा है कि मैं उमरा करूँ, हज करूँ, इंशाल्लाह जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। तो मैं 1800-1900 किलोमीटर का सफ़र करके इस वक्त दिल्ली मुस्तफ़ाबाद में हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ से सफ़र शुरू करेगा। बाकी आप लोग तमाम लोग दुआ कीजिएगा इनके सफ़र के लिए। बस यही है कि वो अभी मुस्तफ़ाबाद दिल्ली में है। जो स्क्रीन पर वीडियो आप देख रहे हैं ये उन्हीं की है जिसमें उन्होंने पैगाम कि मैं दिल्ली में हूं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहां से सफर शुरू करने वाला हूं। बाकी आप लोग इसके मुताबिक क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बतला दीजिएगा। मैं हूं आप सबका मेजबान मोहम्मद इमलाक। इस वीडियो में रुख्सती चाहता हूं, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।